इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके में स्थित टिम्बर मार्केट संचालित होता है। यहाँ बड़ी संख्या में ट्रकों से लकड़ी सप्लाई होती रहती है, लेकिन अक्सर इस तरह की शिकायतें भी मिली हैं कि यहाँ अवैध तौर पर लकड़ी लाकर बेची जाती है। इसी सिलसिले में वन विभाग के अधिकारी DFO ने योजना बनाकर सुबह 2 बजे से रेकी की, और जब सुबह 1 के बाद 1 सात ट्रक जब बाजार में पहुंचे तो अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा और दस्तावेज खंगालना शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद ट्रक चालक आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा सके। जानकारी मिली है कि जब वरिष्ठ अफसर कार्यवाही कर रहे थे उसी वक्त इस इलाके के जिम्मेदार अफसर मौके से नदारद पाए गए। वरिष्ठ अधिकारी अब दोषी अधिकारियों की भूमिका भी तलाश कर रही है। जानकारी मिली है कि टिम्बर मार्केट में पहुंचे 7 ट्रकों के पास वन विभाग अब इस ऑपरेशन को आगे भी जारी रख कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। सूचना मिली कि यहाँ गाड़ी आ रही है, तो हम प्रातः 2 बजे निकले गश्ती पे अपनी टीम के साथ, और गश्ती करते करते देखते हुए गाड़ी चेक करते हुए मार्केट पहुँचे। तो यहाँ हमें भी 5-7 गाड़ियाँ हमें जो है ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है उनके पास टीपी नहीं है, तो अभी आम बबूल नीम इस तरह की लकड़ियाँ है और जो है इसके ऊपर जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये मानी जा सकती है कि अवैध परिवहन से लाई गई अवैध लकड़ियां है? पूरी जांच के उपरांत ही इसकी पुष्टि की जाएगी। कितनी गाड़ियां? लगभग 7 गाड़ियां तो अभी हमें मिली है। और किस प्रकार की और भी जांचें कर रहे हैं अपन इसमें? नहीं, अभी हम पूरा दिखवा रहे हैं आज, और भी गश्ती दल ये नियमित चलेगा और अकस्मात चेकिंग होती रहेगी। सर आपका नाम बताया? मेरा नाम सुरेश बरोले। सर बरोली जी, जो गुरु नानक टिम्बर मार्केट में आज जो जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, अवैध परिवहन से लाई गई अवैध लकड़ियाँ जो बरामद हुई है, चूँकि रेंजर ऑफिस आप है, तो क्या कहते हैं कि अवैध लकड़ियाँ किस तरीके से आती है और सालों से शिकायत आ रही है आपकी रेंज में कि अवैध लकड़ियाँ आ रही है? मैं इस संबंध में आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जो शासन के जो भी निर्देशानुसार जो कार्रवाई हुई है वो उसका पूर्ण रूप से जवाब देने के लिए मेरे को अधिकृत नहीं कर रखा है। इसके लिए SDO साहब ने अब को अधिकृत कर रखा है। आपका नाम बताएं? सुरेश बरोले, इंदौर रेंजर।